डीएम अभ्यर्थी भी अपने प्रदर्शन को लेकर लगातार डटे हुए हैं। सीएम हाउस के पास धरने पर सैकड़ों अभ्यर्थी बैठे हैं। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करने की मांग यहां पर की जा रही है। सरकार से नियुक्ति देने की ये मांग कर रहे हैं। छोटे बच्चे लेकर प्रदर्शन करने के लिए यहां पर पहुंचे हुए, देखिए तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, और अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ यहां पर अभ्यर्थी बैठे हुए हैं और यहां पर मांग कर रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है उसका पालन यहां पर किया जाए। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी राजेश राज इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राजेश, प्रदर्शन के मौके पर इस वक्त अगर आप मौजूद हैं, उनसे बातचीत कीजिए, क्या उनका कहना है, क्योंकि लगातार ये मांग कर रहे हैं। पहले भी कई शिकायतें आ चुकी है, पहले भी प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन अब तक मांगे पूरी नहीं हुई है, नियुक्तियां नहीं हुई है, आगे उनका क्या एक्शन होने वाला है, बातचीत कीजिए उनसे। बिल्कुल, मैं आपसे बातचीत भी करूंगा, उनको बताऊंगा कि क्या चाह रहे हैं। दरअसल ये है और अभी तक टुकड़े प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन उसको वहां से भी हटने को बोला गया है। राजस्व की तैयारी हो रही है और अब ये आक्रोशी देख रहे हैं तो करके सीएम हाउस के पास को भरने भरने पर बैठ गए हैं और इससे बातचीत करेंगे कि अब तक क्या स्थिति, क्या कह रहे हैं वहाँ पे, क्यों आपको क्या चाह रहे हैं आप लोग? काफी आक्रोशित भी दिख रहे हैं, तमाम लोग यहाँ पर रो रहे हैं, क्या ऐसी स्थिति है कि आपको इस स्थिति में आना पड़ा? सर, हम लोग 1.5 साल होने को जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया, हाई कोर्ट ने भी आदेश दिया, हाई कोर्ट ने पहले 2 अप्रैल को जजमेंट दिया था कि बीएड जो है प्राथमिक शिक्षा के लिए अयोग्य है, फिर उसके बाद 6 सप्ताह के अंदर उनको बाहर करने के लिए बोला गया था। उसके बाद फिर हम लोग शिक्षा मंत्री भी मोहन अग्रवाल जी के पास गए थे तो उन्होंने कहा कि अभी सुप्रीम कोर्ट में सेल्फी लगा है, उनको क्लियर होने दो, फिर हो जाएगा, फिर आना ऐसे करके। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से भी जीत गए हम लोग। उसके बाद भी 4 सितंबर को आदेश आया कि बीएड जो है प्राथमिक शिक्षा के लिए अयोग्य है। सरकार आपको इतने दिन से प्रदर्शन कर रही है, कह क्या रहे हैं अधिकारी, क्या कह रहे हैं मंत्री, क्या कह रहे हैं नेता, क्या कह रहे हैं? सर, हम लोग 2 अक्टूबर से सुप्रीम में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, यहाँ तक कि उससे पहले हर जिले में 33 जिलों में हर जिला में न्याय यात्रा निकाली जा रही है। क्या ये सही है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने के बाद हम लोग न्याय नहीं निकालेंगे? ये सही बात है क्या, बताइए? न्याय धरना स्थल पर बैठना हमने बस बिल्कुल बिल्कुल आप सभी लोग यहाँ पर बैठे हैं, क्या कह रहे हैं? राजेश, आप बातचीत करने की उनसे कोशिश करें, हालांकि तकनीकी खराबी की वजह से आपकी और उनकी आवाज हम तक क्लियर नहीं पहुंच पा रही, लेकिन इतना तो हम समझ चुके हैं कि कोर्ट के आदेश के बाद भी अगर नियुक्तियां नहीं हो रही है तो भारी आक्रोश में देखा जा रहा है और आगे भी वो लगातार मांग पर डटे रहेंगे, ये उनका कहना है। बहुत शुक्रिया आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, देखिए यहाँ पे अपने बच्चों के साथ अभ्यर्थी बैठे हुए हैं और उनका यही कहना है कि अगर कोर्ट ने भी आदेश दे दिया है तो उसके बावजूद भी नियुक्तियां क्यों नहीं हो रही, इतना बड़ा अन्याय उनके साथ आखिर क्यों किया जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि आगे उन्हें किसी प्रकार का आश्वासन यहाँ पर दिया जाता है, मांगे कब तक पूरी होती है और नियुक्तियां आखिर कब तक होती है, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है।